इस्लाम नव भारत आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यह बड़ी कवरेज टाइम्स नाम नव भारत पर लगातार जारी है। अभी आपको दिखाते हैं केजरीवाल को लेकर 50 बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल, 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत। दिल्ली शराब घोटाला केस में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी, 16वें नंबर पर गिरफ्तार हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता हो चुके हैं गिरफ्तार, सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा जेल में हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को ईडी दफ्तर में बितानी पड़ी रात, गुरुवार रात 9 बजे के करीब सीएम केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी। बीती रात करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर लाए गए थे सीएम अरविंद केजरीवाल, ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप में है अरविंद केजरीवाल। बीआरएस नेता के कविता के बगल वाले लॉकअप में रखे गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, आज दोनों को आमने सामने बैठा कर की जा सकती है पूछताछ। आज सुबह 9 बजे से दोबारा पूछताछ शुरू करेंगे ईडी के अधिकारी, गिरफ्तारी के करीब 12 घंटे बाद ईडी दफ्तर में ये पूछताछ होगी। आज केजरीवाल से ईडी के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर करेंगे सवाल जवाब, डेप्यूटी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर की निगरानी में ये पूछताछ होगी। आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। कोर्ट में पेशी से ठीक पहले दोबारा होगा सीएम केजरीवाल का मेडिकल चेकअप, शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर में केजरीवाल का किया गया था मेडिकल चेकअप। ईडी दफ्तर में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने किया मेडिकल चेकअप, सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ईडी टीम ने फोन और आईपैड जब्त कर लिया है, केजरीवाल के परिवार के 2 आईपैड और 4 से 5 फोन सीज किए गए, गैजेट का डेटा डंप किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, गिरफ्तारी की रद्द किए जाने के लिए याचिका दाखिल की गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद गुरुवार रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, आरएसी के जवानों को तैनात किया गया, जहां दिल्ली में कई जगहों पर धारा 144 भी इंपोर्ट की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की अपील, सुरक्षा व्यवस्था को खराब ना करें, कहा दिल्ली में कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा पीएम नरेंद्र मोदी को किसी से डर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, अरेस्टिंग को लेकर लोकतंत्र की हत्या बताया। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का ट्वीट, केजरीवाल जी के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद, कहा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ट्वीट, कहा केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती ईडी। आम आदमी पार्टी का ट्वीट, इनकलाब की मशाले थाम दो, संपूर्ण क्रांति का समय आ चुका है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ईडी कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे कार्यकर्ता, प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में प्रदर्शन किया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, पुलिस हिरासत में है कई आप कार्यकर्ता। मुंबई में आप कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ की नारेबाजी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की गिरफ्तारी से है नारा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का मेगा प्रोटेस्ट, मंत्री गोपाल राय का ऐलान, सुबह 10 बजे बीजेपी दफ्तर के बाहर किया जाएगा आंदोलन। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज देश भर में होगा आम आदमी पार्टी का आंदोलन, पार्टी प्रवक्ता संदीप पाठक ने आप कार्यकर्ताओं को प्रोटेस्ट करने के निर्देश। केरल के एर्नाकुलम में आप कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट सामने आया, जहां झंडे के साथ सड़क पर नजर आए कार्यकर्ता, काचेरीपड़ी में गांधी स्टेच्यू के सामने विरोध दर्ज कराया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज कांग्रेस कर सकती है सहयोगी दलों से बातचीत, इंडिया अलायंस की ओर से आ सकता है कुछ संयुक्त बयान। गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से की बात, हर संभव मदद का सहयोग दिया, आज सुबह केजरीवाल के परिवार से मिल भी सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का ट्वीट, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी अब आम बात हो गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, लिखा दिल्ली के मुख्यमंत्री को टारगेट करना असंवैधानिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बिना विपक्ष का लोकतंत्र तानाशाह बन जाता है, जो नेता झुक नहीं रहे उन्हें जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल को अरेस्ट किए जाने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा यह गिरफ्तारी एक नई जनक्रांति को जन्म देगी। महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट किया, लिखा हम नहीं डरेंगे। शरद पवार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की, कहा यह गिरफ्तारी दिखाती है बीजेपी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कार्ति चिदंबरम का ट्वीट, लिखा कानून को हथियार बना लिया गया है। डेरेक ओब्रायन का बयान, कहा हमारे अनमोल लोकतंत्र का क्या हश्र होगा, लोकतंत्र को आने वाली आपदा से बचाना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का बयान, कहा बीजेपी का असली रंग उजागर हो रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया हार का डर, ट्विटर पर लिखा लाचार है मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से साफ है बीजेपी पूरे तरीके से डर चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता दानिश अली का ट्वीट, लिखा केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सरकार को भारी पड़े। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही हुआ है शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा जनता की हाय लगी है, जो हर भ्रष्टाचारी के साथ होता है वही हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संबित पात्रा का बयान, कहा अरविंद केजरीवाल एक बुरा विचार। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास का ट्वीट, गिरफ्तारी पर तंज कसा, लिखा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का बयान, कहा विपक्षी आवासों को कुचलने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल को देना पड़ सकता है इस्तीफा, जेल मैनुअल के रूल नंबर 1349 के तहत कामकाज करना होगा बेहद मुश्किल। और मैनुअल के मुताबिक जेल में फाइल नहीं मंगवा सकते मुख्यमंत्री, जेल से आदेश देने और मीटिंग करने पर भी रोक, लालू और हेमंत को इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा था।